हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया और आज अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो आइए उसको चर्चा करते हैं। इस यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश एवं सदिश राशियाँ। ये अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पहला हेडिंग स्टार्ट किया है अदिश राशि। ये क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जहाँ खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर मैं खड़ा हूँ, तो आप हमको कैसे पाएंगे, किधर जाएंगे तो हमारे पास पहुँच जाएंगे। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर मैं खड़ा हूँ, आपके पास तो 4 डायरेक्शन हुए। ऐसे 2 किलोमीटर दूर, अगर इसका रेडियस 2 किलोमीटर है, 2 किमी, ठीक है, 2 किलोमीटर है, तो जो आपसे कहा गया कि मैं आपसे 2 किलोमीटर दूर हूँ, तो यहाँ भी हो सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आपके चारों ओर, क्योंकि आप यहाँ सेंटर पर खड़े हैं। अब यहाँ से मैं किधर खड़ा हूँ आपको नहीं पता है, केवल आपको इतना पता है कि 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं, तो या तो 2 किलोमीटर दूर ऐसे गोल गोल आप चक्कर लगाइए तो एक जगह हम मिल जाएंगे, या आपको डायरेक्शन पता हो, दिशा पता हो कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यह ईस्ट है, यह वेस्ट है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं आप जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर खड़ा हूँ, तो आप ना इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे, सीधा इसी रास्ते पर आएंगे और वहाँ हम आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको 2 किलोमीटर बताया गया तो आप खोजने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन अगर यही 2 किलोमीटर नॉर्थ अगर बता दिया गया तो आप यहाँ पहुँच गए, आराम से पहुँच गए। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया है, ये 2 किलोमीटर जिसमें डायरेक्शन या दिशा नहीं दिया है, ऐसे राशि को हम अदिश राशि कहते हैं, अदिश क्वांटिटीज कहते हैं, और जिसमें दिशा दिया है ऐसे राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अदिश राशि, मतलब वे राशियाँ जिसमें केवल मान दिया हो, वैल्यू दिया हो, क्वांटिटी दिया हो और डायरेक्शन ना दिया हो। अब आपके लाइफ में ऐसी ढेर सारी क्वांटिटी जाएंगी, ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी जाएंगी जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, तो थोड़ा सोचिए कौन कौन सा है जो आपके पास अदिश राशि है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, अब मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण दिया हो उसे कौन सी राशि कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा अदिश राशि क्या होता है। इसका उदाहरण जैसे 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम में कोई दिशा है नहीं है, तो यह क्या है, अदिश राशि है, ठीक। अगर हम कह दें ये 2 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान है, इसका मतलब द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। इसी तरह से अभी हमने बताया था 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या है, दूरी है, तो दूरी भी क्या है, दूरी भी अदिश राशि है। इसी प्रकार से चाल,
क्योंकि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। समय अगर हम केवल कह दें समय, तो समय में दिशा दिया है नहीं दिया है, ये भी अदिश राशि है। इसी प्रकार से अन्य ढेर सारी राशियां जो आप सोच सकते हैं, जैसे यह पेन है, पेन कौन सा राशि है, अदिश राशि, क्योंकि पेन में कोई डायरेक्शन नहीं है। एक और इसी तरह से राशि होता है, क्या उसको बता दूं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक करंट में तो दिशा होता है, ऐसे तीर से हम दिखाते हैं, जैसे ये तार है तो इसमें हम दिशा दिखाते हैं आई, लेकिन ये इसका डायरेक्शन नहीं होता है, यह एक अदिश राशि है। इसका प्रतिरोध, यह भी क्या है, अदिश राशि है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट जो होंगे मैं बताऊंगा आगे, और देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशि, सदिश राशि कैसे कहेंगे, जिसमें मान या वैल्यू के साथ साथ उसका दिशा भी दिया हो, जिसका वैल्यू देखने के साथ आप जान जाते हो किस दिशा में स्थित है, किस दिशा में जा रहा है, उसे हम सदिश राशि कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, वे भौतिक राशियां जिनमें, वे भौतिक राशियां जिनमें, यहाँ ये मैं लिखा हुआ था, जिनमें परिमाण एवं, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दिया हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। मतलब हम उसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों जान जाए तो हमको पता चल जाएगा कि किस दिशा में स्थित है, तो ऐसे राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। ओके, अब इसका उदाहरण क्या होगा उसको समझिए। जैसे विस्थापन, अगर हम कह रहे हैं एक वस्तु यहाँ से विस्थापित कर दी गई, तो किधर विस्थापित कर दी गई, जैसे आपके टेबल पर बुक है, मैं कहा उसे विस्थापित कर दूँ, तो विस्थापित आप किधर करेंगे, आप पूछेंगे किधर, तुरंत आपका क्वेश्चन होगा मैं इसे डिस्प्लेस किधर करूँ, विस्थापित किधर करूँ। तो अगर मैं बताऊँ नॉर्थ साइड, तो आप नॉर्थ साइड उसे विस्थापित कर देंगे, दिशा नहीं है तो आप उसे विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो विस्थापन सदिश राशि है। अब विस्थापन के वेग, विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, तो वेग भी आपका क्या है, सदिश राशि है। बल, बल भी सदिश राशि है। ठीक है, संवेग, संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो संवेग भी सदिश राशि है, आदि। इसी टाइप से जो राशियां होती हैं, ये सभी राशियां सदिश राशियां होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे सदिश राशि के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। सदिश राशि के प्रकार, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें ए सामान्य सदिश, सामान्य सदिश, या इसको आप कह सकते हैं जनरल वेक्टर। सामान्य सदिश क्या होता है, सामान्य सदिश से, इस शब्द से ही एक चीज़ समझ में आता है, सामान, सामान, सामान्य मतलब सामान, जो दोनों का मान बराबर हो, दोनों की दिशा बराबर हो। दोनों लोग बराबर कैसे हो सकते हैं, एक पूर्व की ओर मूव करें और एक पश्चिम की ओर मूव करें, तो ऐसे चीज़ को आप समान कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, दोनों का वैल्यू भी समान हो और दोनों एक दिशा के
मूवर हो, एक दिशा में मूव करने वाले हो, ऐसे सदिश को हम सामान सदिश कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए आप लिखेंगे वे सदिश जिनका परिमाण एवं दिशा एक समान हो उसे सामान्य सदिश कहते हैं। ओके, अब यहाँ जैसे उदाहरण देख लीजिए, यह एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिश है ए। तो वेक्टर को हमेशा ऊपर ऐसे एक तीर लगाते हैं, जैसे कोई भी अक्षर लिखे उसके ऊपर एक एरो बना दें, इसी को वेक्टर ए पढ़ते हैं। ये पहचान दिलाता है कि यह ए एक सदिश राशि है। ओके, इसी प्रकार से सेम लंबाई का, सेम डायरेक्शन का, इसका लंबाई भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, ऐसे हम यहीं पर खींचते हैं। सेम लंबाई और सेम डायरेक्शन का एक दूसरा सदिश है बी, तो हम ये कहेंगे ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ये सामान्य सदिश होंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर बी। दोनों आपस में क्या हैं, डायरेक्शन में भी बराबर हैं और परिमाण में भी बराबर हैं। दूसरा विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। अब एक तो आपने सामान्य सदिश पढ़ा, उसका विपरीत सदिश, इसका डेफिनेशन आप कैसे देंगे? वे सदिश जिनका परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो कैसे लिखेंगे? वे सदिश राशियां जिनका परिमाण एक समान हो एवं दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, उसे विपरीत सदिश कहते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे देखेंगे? जैसे यह वेक्टर ए है, इसको ऐसे वेक्टर से लिखेंगे, और सेम ऐसे ही एक बराबर लंबाई का यह वेक्टर बी है जिसका दिशा आपस में क्या है, बराबर उल्टा है। इसका लेफ्ट साइड है तो इसका राइट साइड है, इसका नॉर्थ रहेगा तो इसका साउथ रहेगा, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा रहेगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर बी, वैल्यू में तो बराबर हैं, बस डायरेक्शन में एक दूसरे के उल्टा हैं, विपरीत हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव को तो प्लस से नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो विपरीत है उसको माइनस से दिखाते हैं। माइनस से क्यों? क्योंकि ये दिशा में विपरीत है। मतलब आप ये समझिए, जब भी वेक्टर आप पढ़ेंगे और किसी वेक्टर के सामने अगर माइनस लिखा है तो उसका दिशा हमेशा विपरीत दिशा मानी जाएगी। अगला देखिए, एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश। इसके लिए आप क्या करेंगे? वे भौतिक राशियां या वे सदिश राशियां जिनका परिमाण क्या हो, एक हो। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वे भौतिक
राशियां जिनका परिमाण वैल्यू एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको देखिए। अगर यह कोई वेक्टर a है, ठीक है, हम कह रहे हैं यह एकांक वेक्टर है, तो एकांक वेक्टर को मॉड ऑफ वेक्टर a से प्रदर्शित करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a। अब इसमें हम एक कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं, तो जब इसकी वैल्यू आप लिखेंगे तो केवल a इंटू n लिखेंगे। यह जो a है यह केवल परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसको मोटे अक्षर से भी दिखाते हैं, इसको मोटे अक्षर से भी दिखाते हैं, ओके। अगला हम देखेंगे शून्य सदिश, या इसको अंग्रेजी में नल वेक्टर भी बोलते हैं, शून्य सदिश या नल वेक्टर। वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। आप सोचेंगे शून्य सदिश को लिखें कैसे, तो यहाँ देखिए, यदि वेक्टर ए है यह बराबर है किसके, वेक्टर बी के, ओके। अगर हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटा दें तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा, उसको रिजल्टेंट वेक्टर आर कहते हैं, ओके। इस वेक्टर आर का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, इसका मान जो है क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो ये जिससे जिस अक्षर से हम प्रेजेंट करेंगे इसी को हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। हमारे ये कुछ सदिशों के प्रकार थे, अब हम इनका गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे कैसे करते हैं आगे हम वो डिस्कस करेंगे। आइए अब हम चर्चा करें सदिशों का योग, किसी सदिश राशि को कैसे जोड़ा जाता है। उसके लिए हम हेडिंग डालेंगे सदिशों का योग या एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज सदिशों का योग। अब हम सदिशों का योग कैसे करेंगे, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य कोण थीटा हो तो, अब देखिए यह एक वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए, किसी भी तरह बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं ऐसे बनाया तो ऐसे ही आप बनाइए, आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। यदि यह वेक्टर ए है और यह दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे, भाई हम सदिशों का योग देख रहे हैं, तो सेम जैसे जो है उसी तरह से हम रख देते हैं। कहाँ रखते हैं उसको देखिए, हम जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे और वेक्टर ए के हेड को, हेड मतलब शीर्ष को, या टेल है, पूंछ है और यह हेड है, तो वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करना है, जो जिस दिशा में है उसी दिशा में रहेगा, बस आपको हेड और टेल को जोड़ देना है, ठीक है। अब बी के हेड को ए के टेल से जोड़ेंगे, यही हमारा
रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम कहेंगे वेक्टर आर। और इसको प्रदर्शित कर कैसे करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर आर, यही सदिशों के योग का नियम है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि फर्स्ट वेक्टर जो है उसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ना है। अब सोचेंगे मान लीजिए आपके पास चार वेक्टर हो, पांच वेक्टर हो, तब कैसे जोड़ेंगे, तो पहले वाले का हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, फिर दूसरे का हेड तीसरे का टेल, तीसरे का हेड चौथे का टेल, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। जिस दिशा में हो, डायरेक्शन जैसे भी हो, कोई ऐसे रहता है, कोई ऐसे रहता है, कोई ऐसे रहता है, जिस दिशा में हो उसी दिशा में रख के उसको जोड़ देंगे। और उसके बाद पहले के टेल से अंतिम वाले के हेड को मिला देंगे, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। ऐसे ही हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं। ओके, आगे टर्न पे हम वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का योग का त्रिभुज नियम, और उनमें ढेर सारे वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, उनको, सदिश गुणन, अदिश गुणन, इन पे क्वेश्चंस आदि हम चर्चा करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।